फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन. लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास. सो स्टूडेंट, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड दिस इज द ब्लॉक 16 एंड टुडे वी आर गोइंग टू लेसन 2 ऑफ दिस ब्लॉक. सो स्टूडेंट्स, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. सो स्टूडेंट, कैन यू टेल मी व्हाई इज गिया होल्डिंग द काइट? व्हाई इज गिया होल्डिंग द काइट? And how can you know the answer if it or isn't in the picture? So students, today we will play a game, thumbs up and thumbs down. So student, tell me, where is Gia? So Gia is in the park. And why is Gia sad? So Gia, by looking the pictures, why is Gia sad? Gia is sad because kite stuck on the tree. Okay, so students, when I say where is Gia, you can say immediately Gia is sitting on sitting in the park, या फिर Gia is in the park. सो आपने डायरेक्टली आंसर कर दिया है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी है इसमें. बट व्हेन आई से व्हाई इज गिया सैड, सो आपने थोड़ा सा सोचा उसको कि क्यों होगी सैड, क्योंकि आपने गैस किया कि व्हाई गिया सैड, आपने सोच के आंसर किया ना, थिंकिंग की आपने, देन यू आंसर द. तो डायरेक्टली आंसर नहीं दिया ना. सो टुडे वी विल प्ले अ गेम, थम्स अप एंड थम्स डाउन. When the question, when the answer of the question given directly, तो ये आपको thumbs up करना है, sorry thumbs down करना है. और आप जब directly answer नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, thumbs up करना है. Okay, directly पे आपको thumbs down करना है, और जिसका answer directly नहीं दे पा रहे आप उसको thumbs up करना है. Okay, now look at this worksheet. Look at the picture on the page. This is the picture. ओके, आपको पिक्चर देखना है एंड गिव इन द आंसर. सो रीड द क्वेश्चन, स्टिक द थम्स अप द क्वेश्चन इफ थिंकिंग क्वेश्चन एंड थम्स डाउन इफ इट इज नॉट. ओके, अगर नहीं है तो थम्स डाउन करना है आपको. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन 1, वेयर इज गिया? सो यू आंसर इट इमीडिएटली, गिया इज इन द पार्क. सो आपको क्या करोगे, थम्स डाउन कर दोगे इस पर. इमीडिएटली आंसर कर दिया ना आपने, डायरेक्टली आंसर करेंगे तो थम्स डाउन करेंगे, और थिंकिंग क्वेश्चन है दैट इज दिस थिंकिंग क्वेश्चन, तो थम्स अप करेंगे उसमें, जिसमें थिंक की जरूरत पड़ेगी आपको, दैट इज कॉल्ड थिंकिंग क्वेश्चन. व्हाट इज गिया होल्डिंग इन हर हैंड? सो आप पिक्चर से आपको पता चल जाएगा ना गिया ने कि क्या होल्ड कर रखा है. गिया इज होल्डिंग द काइट. सो दिस इज ऑल्सो थम्स डाउन क्वेश्चन, तो दोनों में थम्स डाउन होएगा. नेक्स्ट वन, व्हाई आर द डॉग्स जंपिंग? सो आप थिंकिंग करनी पड़ेगी ना, व्हाई आर द डॉग जंपिंग, है ना. सो आपको क्या आएगा इसमें, थम्स अप. वेयर इज द काइट? काइट इज ऑन द ट्री, और सो आप क्या करोगे, थम्स डाउन, सॉरी इसमें तो थम्स अप ही रहेगा, इसमें थम्स डाउन हो जाएगा डी पार्ट में. हाउ डिड द काइट गेट स्टक इन द ट्री? दिस इज थिंकिंग क्वेश्चन. सो जनरली हाउ एंड वाई क्वेश्चंस आर थिंकिंग क्वेश्चंस. ओके, जिस क्या होता है, वाई क्वेश्चंस और हाउ क्वेश्चंस आर थिंकिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट वन, राइट टू मोर थिंकिंग क्वेश्चंस अबाउट द पिक्चर. सो यू हैव टू राइट डाउन टू मोर थिंकिंग क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर, अबाउट दिस पिक्चर. सो हम क्या राइट कर सकते हैं, वाई इज गिया सैड, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. सो वी राइट डाउन हियर, ए पार्ट में राइट करेंगे, वाई इज गिया सैड, दिस इज क्वेश्चन वन. नेक्स्ट वन देखिए, हाउ के साथ बनाना है, तो हम क्या राइट कर सकते हैं, हाउ आर द बर्ड्स ऑन द ट्री स्पेशल फॉर गिया. स्पेशल फॉर गिया या स्पेशल टू गिया कर दो.
स्पेशल टू गिया. ओके सो देयर आर दीज आर द टू क्वेश्चंस. ओके स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन टू. दीज आर टू थिंकिंग क्वेश्चंस. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री. हैव यू एवर लॉस्ट अ टॉय. अगर आपका टॉय लॉस्ट हुआ है, मोस्टली लॉस्ट होता ही है, सो यस हुआ. सो हाउ डिड यू फील. सो आई फेल्ट सैड और आई फेल्ट सैड और आई फेल्ट बैड. कोई भी राइट कर सकते हो दोनों से. नेक्स्ट वन हाउ डू यू थिंक गिया फेल्ट व्हेन हर काइट स्टक ऑन द ट्री स्टक इन द ट्री. कैसा फील किया जब गिया का जो स्टक हो गया काइट ट्री के अंदर. सो ही फेल्ट बैड सॉरी शी है शी फेल्ट बैड और सैड. ओके शी ऑल्सो फेल्ट सैड. उसने भी फेल्ट सैड किया होगा ना, सैड या बैड फील किया होगा उसने. सो दिस इज योर क्वेश्चन थ्री. आई होप ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू. सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वॉच इट केयरफुली. आफ्टर दैट यू हैव टू कंप्लीट योर S2. सो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वॉच इट केयरफुली. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.